जय डियर स्टूडेंट्स एंड अ वेरी चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल। हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, राइट? यानी कि पृथ्वी के अंदर के डिफरेंट लेयर्स की हम बात कर रहे थे। एंड सो फार व्हाट वी हैव गोन थ्रू, द शेप एंड द साइज ऑफ द अर्थ वी हैव अंडरस्टूड, कि पृथ्वी जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल पर थोड़ी सी दबी हुई है। इट इज़ नॉट कंप्लीट स्फीयर, इट इज़ स्फीरॉइड। ओके, देन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री बेसिक पार्ट्स। नंबर वन इज क्रस्ट, विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे बाहर वाला लेयर, एंड इट इज कंपोज ऑफ सियाल, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओके, एंड द सेकेंड, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे 20 से 25 किलोमीटर, देन यू विल फाइंड मेंटल। ओके, देन यू विल फाइंड मेंटल, एंड दिस इज द मोस्ट थिकेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा मोटी ये लेयर है इसके अंदर। एंड देन थर्ड, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर, यानी कि सेंट्रल पार्ट, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कोर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नाइफ। वॉट इज द रीजन? निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। सो निकल एंड आयरन आर प्रेजेंट देयर इन कोर इन मोर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स, दैट्स वाई दैट इज नाइफ। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, एंड मेनी मिनरल्स आर फाउंड अलॉन्ग विथ रॉक्स ऑल्सो। सो we have divided the rocks into three parts. Number one is igneous rock. Igneous rock means what? Earth के अंदर जब जो magma होता है, पिघला हुआ magma, यानी कि लावा जो पृथ्वी पर आता है बाहर, उसको जब हम लावा बोलते हैं, एंड वेन इट कूल्स डाउन, वो ठंडा होने में बहुत समय लेता है, ठंडे होने के बाद जो पत्थर बनता है दैट इज नोन एज igneous rocks. एंड अदर देन दैट, नेक्स्ट वॉज सेडिमेंट्री रॉक। व्हाट डज इट मीन? सेडिमेंट्री मीन्स जब हवा या पानी या आइस के साथ में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, वो कहीं पर या तो समुद्र के अंदर या ज़मीन पर कहीं पर दब जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण एक नया पत्थर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। देन नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। इट वॉज ऑल्सो अंडरस्टूड, मेटामॉर्फिक मीन्स वॉट? Metamorphic means when there is you know excessive heat and pressure inside the earth. Earth के अंदर बहुत ज़्यादा pressure और बहुत ज़्यादा जब temperature होता है, तो उसके कारण छोटे छोटे पत्थर या कंकर जब combine हो जाते हैं, उसके जो छोटे छोटे crystals होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बड़ा crystal बनाते हैं, and that particular large crystal is known as metamorphic rock. So that was already understood. Today we are going to understand a very small topic, that is rock cycle. So it is very clear that any type of rock, whether it is igneous rock, metamorphic or sedimentary, they will not remain same throughout their life cycle. There is a life cycle that is known as rock cycle. Jo ek patthar hai, it may be anyone, like if we take example of igneous rock bhi uske tukde honge. टुकड़े होने के बाद में वो कहीं ना कहीं हवा या पानी के द्वारा बहा करके लेके जाएंगे, एंड इट विल सेटल डाउन एट द फ्लोर एट द बेड ऑफ द सी, यानी कि सबसे नीचे वो जाकर के उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर इट विल बी फॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक भी एक समय के बाद में धीरे धीरे जब वो छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो समुद्र या ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, उसके बाद वह वही इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक भी बनाता है। सो दैट इग्नियस रॉक इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यस सेडिमेंट्री रॉक, एंड दैट सेडिमेंट्री रॉक विल अगेन बी मेल्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, एंड इट विल फॉर्म मैग्मा, मैग्मा बनाएगा, और मैग्मा से फिर एक समय पर ठंडे होने के बाद फिर से क्या बनेगा? इग्नियस रॉक। सो दैट इज अ साइकिल, यानी कि एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होता है। सो ये तीनों पत्थर, तीनों टाइप के रॉक्स कंटिन्यूसली साइकिल चलाते हैं, इनके फॉर्म चेंज करते रहते हैं।
And what is the rock distribution in India? So if you talk about Rajasthan, Madhya Pradesh, Chota Nagpur Plateau, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, etc. In these particular states, huge amounts of granite is found. Granite पत्थर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है इंडिया में इन पर्टिकुलर एरियाज में. एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइम स्टोन, जस्ट सर्च दिस नेम्स, ओके, यू विल सी द पिक्चर्स. विच ऑल आर द थिंग्स यू हैव टू सर्च? ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, ओके, सर्च दिस. एंड ऑल्सो सर्च इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. सो लाइम स्टोन इज वाइडली ऑकर्स इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं लाइम स्टोन मिलता है वहाँ पर. कोल माइन्स ऑकर्स इन इन द बेसिन्स ऑफ रिवर गोदावरी, महानदी एंड दामोदर. तो इन तीन रिवर का जो एरिया है टोटल, जहाँ से भी इसमें पानी आता है इन तीनों नदी में, उसको बोलते हैं उसका बेसिन. एंड दैट बेसिन एरिया हैव कोल माइन्स इन साउथ इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट मार्बल, सो मार्बल्स आर फाउंड इन राजस्थान, the Indo-Gangetic Plains. And we know that three natural components of our environment are land, water and air. So life exists only where all these three natural components exist in right combination. अगर ये कम ज़्यादा है तो life वहाँ पर possible नहीं होगी. ज़्यादा water होगा तो वहाँ पर human survive नहीं कर पाएगा. ज़्यादा सिर्फ land ही land होगा, water नहीं होगा या air नहीं होगी तो वहाँ भी survive नहीं कर पाएंगे. So these components depend on each other. So it is our duty to preserve three of them from, you know, being polluted. तो चाहे land हो, water हो या air हो, इनको हमें protect करना है from being degraded या from being polluted. So that's all. That was the internal structure, small chapter. And here the exercise is given. You have to take it yourself, okay? And if you don't find the answer, just message in the group or message me personally. So this is the fill in the blanks and there are some questions given. So try to fill the exercise part. Understood? So that's what we were studying, internal structure of the earth. And we have also finished up this chapter, natural resources, land, soil and water. And if you don't have a book, just see it once more and buy it from market. Bright Minds, Panorama. Clear? This is the publisher, Mohit Publishing. And start studying for your upcoming unit test. Thank you.